फ्रेंड, वेलकम टू देसी फूड। आज हम बनाने वाले हैं वेज बिरयानी। बहुत ही इजी रेसिपी है, आप इस रेसिपी को एक बार ज़रूर ट्राई करें। इसके लिए मैंने इस ग्लास से नापकर 4 गिलास बिरयानी राइस लिया है, जिसे मैंने अच्छे से धो लिया है। अब हम इसमें इसके दुगुना पानी डाल देंगे और इसे ढक कर 1 घंटा के लिए ऐसे ही छोड़ देंगे। 1 घंटा बाद हम एक पतीला में पानी डाल के इसे बॉयल होने के लिए रख देंगे और साथ ही हम इसमें 6 लौंग, 2 इंच दालचीनी और 4 इलायची डाल देंगे। अब हम इसमें 3 चम्मच तेल डाल देंगे और इसे ढक कर बॉयल होने के लिए छोड़ देंगे। जैसा कि आप देख रहे हैं, हमारा पानी बॉयल हो गया है। अब हम इसमें चावल गिरा देंगे। अब हम इसे अच्छे से मिला के इसे पकने के लिए छोड़ देंगे। जैसा कि आप देख रहे हैं, हमारा चावल अच्छे से पक चुका है। अब हम सारा इसका पानी निकाल लेंगे। देख सकते हैं कितना अच्छा चावल बना है। अब हम एक पैन गरम कर लेंगे। जब कढ़ाई गर्म हो जाए तब हम इसमें तेल डालेंगे। तेल के गर्म होते ही हम इसमें 2 मीडियम साइज प्याज, जिसे मैंने लंबा शेप में काट लिया है, इसे फ्राई कर लेंगे। गैस का फ्लेम हम हाई रखेंगे और इसे हमें गोल्डन ब्राउन कलर का कर लेंगे, जैसा कि आप देख रहे हैं। अब हम इसे एक प्लेट में निकाल लेंगे। अब हम उसी तेल में 4 लाल मिर्च फ्राई कर लेंगे और इसे निकाल लेंगे। अब हम इसी तेल में 1/2 केजी गोभी को फ्राई कर लेंगे। गैस का फ्लेम हम मीडियम रखेंगे। इसे भी हमें तब तक फ्राई करना है जब तक इसका कलर गोल्डन कलर का ना हो जाए। जैसा कि आप देख सकते हैं, हमारा गोभी अच्छे से पक चुका है। अब हम इसे भी एक प्लेट में निकाल लेंगे। अब हम इसी तेल में 6 आलू फ्राई करेंगे, जिसे मैंने अच्छे से छील के बस 2 पीस में काट लिया है। गैस का फ्लेम हम मीडियम रखेंगे और इसे भी हम अच्छे से पका लेंगे। जैसा कि आप देख रहे हैं, हमारा आलू अच्छे से पक चुका है। अब हम इसे भी निकाल लेंगे एक प्लेट में। अब हम उसी तेल में 250 ग्राम बीन्स, जिसे मैंने छोटे छोटे टुकड़े में काट लिया है, इसे भी फ्राई कर लेंगे। इसे भी हम 2-3 मिनट तक फ्राई करेंगे। अब हम इसे एक प्लेट में निकाल लेंगे। अब हम इसमें गाजर फ्राई करेंगे। इसके लिए मैंने 2 मीडियम साइज गाजर लिया है, जिसे मैंने छील के लंबा शेप में काट लिया है। 2 मिनट तक इसे फ्राई करेंगे और इसे एक प्लेट में फिर से निकाल लेंगे। अब हमने 2 प्याज, 1 टमाटर, 2 इंच अदरक और 25 लहसुन लिया है। अब हम एक ब्लेंडिंग जार लेंगे और उसमें इन सभी चीज़ों को एक साथ डाल देंगे। अब हम इसमें 5 चम्मच के लगभग पानी डालेंगे और इसका एक स्मूथ पेस्ट तैयार कर लेंगे। जैसा कि आप देख रहे हैं, मैंने पेस्ट तैयार कर लिया है। अब हम एक कढ़ाई में 5 चम्मच तेल डाल देंगे। तेल को गर्म होने देंगे। जब तेल गर्म हो जाए तब हम इसमें 2 तेज़पत्ता, 5 इलायची, 7 लौंग और 2-3 इंच दालचीनी डाल देंगे। इसे हल्का पकने देंगे। अब हम इसमें 1 चम्मच जीरा डाल देंगे। जीरा को चटकने देंगे। जब जीरा चटक जाए तब हम इसमें प्याज, टमाटर, अदरक, लहसुन का पेस्ट डाल देंगे। सभी को अच्छे से मिला लेंगे। अब हम इसे में 2 हरा मिर्च डाल देंगे, जिसे मैंने लंबा शेप में काट लिया है। मिला ले सभी को अच्छे से। अब हम इसे 2 से 3 मिनट तक मीडियम फ्लेम पर भून लेंगे। 2 से 3 मिनट बाद हम इसमें 2 चम्मच हल्दी पाउडर डाल देंगे, 1 चम्मच जीरा पाउडर डाल देंगे, 1 चम्मच धनिया पाउडर डाल देंगे, 1 चम्मच लाल मिर्च पाउडर डाल देंगे। सभी को अच्छे से मिला लेंगे। अब हम इसे 2 मिनट तक मीडियम से लो फ्लेम पर फ्राई कर लेंगे। जैसा कि आप देख सकते हैं, हमारा मसाला अच्छे से भुन चुका है। अब हम इसमें फ्राइड 3 चम्मच
बिरयानी मसाला डाल देंगे, मिला लेंगे सभी को अच्छे से। अब हम इसमें फ्राई किया हुआ वेजिटेबल्स गिरा देंगे, मिला लें। साथ ही इसमें स्वाद के अनुसार नमक डाल देंगे। अब हम इसे अच्छे से मिलाकर एक मिनट तक मीडियम फ्लेम पर फ्राई कर लेंगे। एक मिनट बाद हम इसमें बारीक कटा हुआ धनिया पत्ता डाल देंगे। अब चलते हैं पैन की ओर। सबसे पहले एक हम एल्युमिनियम का पैन लेंगे जिसमें हम बिरयानी बनाएंगे। अब हम इसमें तेल डाल के उसे अच्छे से फैला देंगे ताकि इसमें हमारा बिरयानी ना चिपके। अब हम इसमें चावल का पतला सा कोट डालेंगे इस तरह से फैलाते हुए। साथ ही इसमें हम फ्राइड किया हुआ वेजिटेबल गिराएंगे। साथ ही एक चम्मच लेमन का जूस डालेंगे, एक चम्मच फूड कलर डालेंगे, एक चम्मच बिरयानी मसाला डालेंगे। अब हम इसके ऊपर दोबारा चावल का लेयर डालेंगे, इसे भी अच्छे से पतले से फैला लेंगे। अब हम इसके ऊपर एक चम्मच फूड कलर डाल देंगे, एक चम्मच लेमन जूस डाल देंगे, एक चम्मच बिरयानी मसाला डाल देंगे और इसके ऊपर वेजिटेबल्स डाल देंगे मसाला वाला। फिर से हम इसके ऊपर चावल का पतला लेयर लगाएंगे। इसी तरह से हम प्रोसेस रिपीट करते जाएंगे। बिरयानी मसाला डाल देंगे एक चम्मच, मसाला डाल देंगे वेजिटेबल्स का। अब हम इसमें फ्राइड किया हुआ आधा प्याज डाल देंगे जो हमने फ्राई करके रखा था। अब हम इसके ऊपर फिर से चावल का लेयर लगाएंगे। साथ ही एक चम्मच फिर से फूड कलर डालेंगे, एक चम्मच लेमन का जूस डाल देंगे। अब हम इसके ऊपर एक चम्मच बिरयानी मसाला डाल देंगे, फ्राई किया हुआ वेजिटेबल्स डाल देंगे। अब हम फिर से इसके ऊपर एक और चावल का लेयर डालेंगे, सभी को अच्छे से फैला के डालेंगे। साथ ही एक चम्मच फूड कलर डालेंगे, एक चम्मच नींबू का रस डालेंगे, एक चम्मच बिरयानी मसाला डालेंगे, फ्राई किया हुआ वेजिटेबल्स डालेंगे, फिर से इसके ऊपर चावल का लेयर डाल देंगे। अब हम इसके ऊपर बचा हुआ प्याज जो हमने फ्राई करके रखा था उसे डाल देंगे। साथ ही इसमें मिर्ची डाल देंगे, साथ ही बिरयानी मसाला डाल देंगे। अब हम इसे ढक लेंगे। अब चलते हैं गैस की ओर। सबसे पहले हम गैस ऑन करके उसके ऊपर तवा रख देंगे, तवा को हल्का गर्म होने देंगे। अब हम इसके ऊपर ये पैन रख देंगे। गैस का फ्लेम हम मीडियम टू लो रखेंगे और इसे 20 मिनट तक पका लेंगे। 20 मिनट बाद जैसा कि आप देख सकते हैं हमारा बिरयानी बिल्कुल तैयार है। अब हम बिरयानी को सर्विंग प्लेट में निकाल लेंगे इस तरह से और इसे रायता और सैलेड के साथ सर्व करेंगे। आप इस रेसिपी को एक बार ज़रूर ट्राई करें। अगर आपको मेरी ये रेसिपी पसंद आए तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माय चैनल।